हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ऑर्गन ऑन का एफोरिज्म नंबर 2, दैट इज़ द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। सो द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजिली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल। सो हियर रैपिड मीन्स द क्योर शुड बी रैपिड बिकॉज लॉन्ग सफरिंग्स में लीड टू टिश्यू डैमेज। सो टिश्यू अगर डैमेज हो गया तो फिर सारी चीज़ें इनक्यूरेबल हो जाएंगी, और हम फिजिशियंस का एम भी यही होता है पेशेंट की सफरिंग को कम करें, टू डिक्रीज द सफरिंग। सो हियर जेंटल मीन्स, अब समझें कि पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग में है, सो क्योर तो कम से कम हम जेंटल कर सकते हैं ना। सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज जेंटल। हियर परमानेंट मीन्स द क्योर शुड बी परमानेंट, लाइक देयर इज नो सप्रेशन और पैलिएशन, ठीक है। और हमेशा क्योर जो होगा हेरिंग्स लॉ में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट। सो हियर इट मीन्स के फिजिकली और मेंटली सारी सफरिंग चली जानी चाहिए और पेशेंट अपनी हारमोनियस बॉडी की कंडीशन को वापस से रीगेन कर ले और वो क्योर हो जाए। हियर शॉर्टेस्ट मीन्स जो क्योर है वो जिगजैग पैटर्न में नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्योर होना चाहिए कि दवाई दी और क्योर हो रहा है उससे। ट्रीटमेंट शुड बी रिलायबल इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। इजिली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल मीन्स कोई गैस वर्क नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन फिक्स प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए हमारा क्योर और ट्रीटमेंट। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।